नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ अंजू कश्यप। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पे। जाट वोट पंचायत चुनाव, यूपी सरकार के लिए चैलेंज होगी टिकट से सीधी जंग। सरकार हुई सख्त, यूपी के सभी डीएमएसपी को निर्देश। किसानों का धरना कराए समाप्त, दिल्ली हिंसा के बाद लिया गया फैसला। मस्जिद निर्माण की तैयारियों के अप्रूवल के लिए एडीए में अगले सप्ताह जमा होगा मस्जिद का नक्शा। परिसर को मानव सेवा केंद्र के तौर पर विकसित करने की योजना। ईडी ने बसपा विधायक और उनकी कंपनियों का बैंकों से मांगा ब्यौरा। हरिशंकर तिवारी समेत सभी प्रमोटर से जल्द होगी पूछताछ। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में खुद को श्री कृष्ण का वंशज कहने वाले की तरफ से डाली गई याचिका पर सुनवाई टली। अब 19 फरवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला। पशुधन घोटाला मामले में आईपीएस अरविंद सेन की पुलिस कस्टडी पर सुनवाई 30 जनवरी को होगी। पूछताछ के लिए अदालत से मांगी 3 दिन की रिमांड। वाराणसी में हादसा, 4 मंजिला जर्जर मकान गिरा, 5 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया, एक की हालत गंभीर। मायावती ने ट्वीट कर बीएसपी और अन्य दलों के साथ मिलकर कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध जताया। शर्मनाक घटना, वाराणसी में शौचालय के बुजुर्ग केयर टेकर को दबंग ने जूतों से पीटा, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। डंपर से कुचलकर महिला की मौत, ग्रामीणों ने 3 गाड़ियां फूंक की, पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़। गाजियाबाद में बेटे ने पिता का ईमेल हैक किया, तस्वीरें जानकारी लीक करने की धमकी देकर 10 करोड़ रुपए मांगे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।